रिधौरा खपरी मार्ग पर चंद्रभागा नदी पर नया पुल बनाया जा रहा है। इससे यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अस्थायी चक्कर बनाया है। हालांकि लगातार बारिश के कारण नदी बह गई है, इससे किसानों और नागरिकों के साथ साथ छात्रों को भी परेशानी हो रही है। राकंपा के युवा नेता जिला परिषद सदस्य सलील देशमुख ने प्रशासन को इस बाईपास पर बने पुल की तत्काल मरम्मत करने का निर्देश दिया है। वे रिधौरा में चंद्रभागा नदी पर बने पुल का निरीक्षण करते हुए बोल रहे थे। उनके साथ चंद्रशेखर चिखले, पंचायत समिति के उपाध्यक्ष अनुराधा खराड़े, पंचायत समिति के सदस्य संजय डांगोरे, निशिकांत नागबोटे, प्रखंड विकास अधिकारी पाटिल, भगवत राव महले, खुशहाल कुरेकर, विजय दहत, विजय महले, प्रवीण तलातुले, जनार्दन पवार, नागराव पवार और डिगाम्बार थे। सोनखम में मूसल निर्माण अधिकारी, बोर्ड अधिकारी, पटवारी, ग्राम सेवक और नागरिक उपस्थित थे। रिधौरा खपरी मार्ग पर चंद्रभागा नदी पर पुल छोटा था और इसे बड़ा करने की मांग की गई थी। इस मांग को देखते हुए क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य सलील देशमुख ने पहल की थी और मुख्य पुल के निर्माण के लिए 1,89,00,000 और चक्कर के लिए 40,00,000 रुपए आवंटित किए गए थे। फिलहाल मुख्य पुल का काम चल रहा है। बाढ़ के कारण नदी के किनारे के कुछ घरों में पानी भर गया है, इसका निरीक्षण भी सलील देशमुख ने किया। इस बीच सलील देशमुख ने काटोल तालुका के सोनखाप का भी दौरा किया और उसका निरीक्षण किया। सलील देशमुख ने भी सभी अधिकारियों से मुख्यालय में रहने और स्थिति पर नजर रखने का अनुरोध किया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।